रहे थे, तो पत्थर मार रहे थे। फिर ऋषि बोले, ऋषि भाई पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बोले, तुम इंसानी में बहुत चाला घूम रहे हो, कोई तो इंसान बन गया, मुझे बंदर बना दिए, ये कौन सी बात है? तो ऋषि मुनि बोले, ठीक है मैं आपको भी एक मौका देता हूँ और आपको भी इंसान बनने का एक मौका देता है। तो बोले, चलो ठीक है, कल कैसे होगा? उन्होंने बोला, ठीक है कल समुद्र के किनारे दिन में आ जाओ, सारे लोग जितनी प्रजाति के बंदर बन गया सबको आ जाओ। तो उन्होंने बोला, ठीक है मैं आ जाता हूँ, आप जो आऊंगा तो मैं आपको मिलूंगा। तो बोले ठीक है। अब दूसरे दिन जब दोपहर में आया तो बंदर बन गया, तो ऋषि मुनि बोलते हैं, आप लोग आ गए? बोले हम आ गए। उसके बाद क्या होता है? उन्होंने बोला, अब एक आकाशवाणी होगी और वो आकाशवाणी आपको जो बोलेगी वही कमिटमेंट के साथ आपको करना है। तो आकाशवाणी ने क्या बोला कि अभी एक मिनट के बाद जो आकाशवाणी होगी वो जो बोलेगी आपको वही करना है, आपने चेंज हो जाना है। तो बोले ठीक है। आकाशवाणी का कहना था कि एक मिनट में जो आदमी जो बंदर समुद्र में कूदेगा वो राजकुमार बनेगा, और जो बंदर समुद्र में कूदेगी वो राजकुमारी बनेगी। तो जैसे हमारे यहां क्या होता है ना, कोई आपस में बेटी आती है तो लोग बोलते हैं तू कर लेना, तू करके दिखा ना, मैं फिर इसमें आया रहूंगा तो तू कर मतलब कामयाब हो जाएगा लोग। तो वैसे ही माता उन बंदर बेड़ियों को मिला था, तो सारे एक तो दूसरे को बोल रहे हैं तू बोलना भाई, तू बोलना भाई, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन इतने लोग छलांग लगा दी। वो वही चीज था, एक बार मुझे मौका मिला है इसमें खाली नहीं जाने दूंगी, उससे जो है उसको छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद होता क्या है, सारे जो है वाक रह गए, अरे ये क्या होगा, तो यही काम से। लेकिन एक मिनट के बाद जब विदिन दो सेकंड बाद जो है, एक मिनट के बाद जो दो सेकंड आया, तो उसमें जो देखा गया कि वो बंदरिया जो पूरी थी वो राजकुमारी बन के बाहर आई, तो सारे जो है चकित हो गए, अरे यार मौका तो कुछ ही नहीं मिला था, मैंने तो डुबकी नहीं लगाई उसमें, बस कूदना था बस। लेकिन बाद में कूदे सभी, लेकिन समय समाप्त हो गया क्योंकि मौका एक मिनट का था। तो लाइफ में पता है कौन से ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक दे रहा है, तो उसको कभी भी मिस नहीं करना। अगर कोई आदमी आपको कुछ बताने के लिए आता है तो आप अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले एक बार उसको जरूर सुनना है कि हो सकता है कि मेरे पास ये कुछ ले गया हो। लेकिन हम बिना सोचे समझे अपने मतलब माइंड सेट के हिसाब से बोल रहे, ये मेरे काम का नहीं, ये बेकार का काम होता है। तो कहने का उद्देश्य है कि उस ऋषि ने क्या डिसीजन लिया कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा टाइम आता है जो आपको जो है कामयाबी दस्तक देती है, लेकिन हम जो है अपने छोटे से डिसीजन की वजह से उस जो है कामयाबी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसा कि जो है 304 थे वो कोई इंसान नहीं बने थे, लेकिन एक जो सही टाइम पे कोई थी वो इंसान में परिवर्तित हो गई। वैसे ही जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, अगर आपको उसको दिखता है कि आगे मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, अगर ये बंदा मुझे बता रहे हैं कोई कॉन्फिडेंस था, तो उनकी आंखों में आप कहिए कि ये बंदा कोई आम नहीं हो सकता, मुझे बताने के लिए आ रहा है, इसको मतलब ये सही हो सकता है। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने एक शब्द सुना था, अगर फैक्ट्री की बात कर लेते हैं तो वहां पर जानते क्या होता है। मैं भी एक जॉब क्लर्क हूं, मैं करता था, लेकिन मैंने क्रिक सेकंड में डिसीजन लिया उसको जो है, क्योंकि हर आदमी को ये तो बोल नहीं सकते कि आप भी क्रिक डिसीजन लीजिए, पता नहीं उसका परिवार कैसे चलता है, मैं ये बोल नहीं सकता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिक्कत आती है, लेकिन लाइफ में यू टर्न ऐसे आ जाता है, आपको जो है गुलामी वाली जिंदगी से आजाद होने में कुछ करीब 6 से 7 महीने लगता है। तो मैं भी जो है एक डिसीजन लेके अपनी जो है ट्रेडिशनल मार्केट वाली जिंदगी को छोड़ के फुल टाइम जो है जैसे वो लोग बोलते हैं 5% वाली की दुनिया के लिए काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे यहां पर करना शुरू किया, और आज मेरे को जो है बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ काम कर रहा हूं, दिन रात कर रहा है, क्योंकि चाहे 7 साल कर लो और चाहे 5 साल कर लो, रिजल्ट आपका है, जिंदगी आपका है, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। तो थैंक यू सो मच।